सोचने जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी हो कर मैं ना हूं कैसे कहूं किससे तुम तो जानती हो मैंने हमेशा ही तुम्हारा साथ दिया साथ ही देना था तू दोई को काय भेज दिया बाहर घूमने फिरने क्योंकि मैं चाहती थी कि वो लोग मलेशिया जाएं मैं ही उनसे कह दूंगा कि वो विशाखा को लेकर यहां से चली जाएं राधिका ने कहा है ना कि जब वो लोग वापस आएंगे तो देव खुद ही विशाखा से जाने के लिए कहेगा हमें राधिका पर विश्वास रखना होगा वो अगर प्यार से समझाएगी ना देव को तो देखना देव को एहसास हो जाएगा कि वो जो कुछ भी कर रहा है गलत है सही नहीं है कितने सुंदर फूल हैं किसने दिए मुझे लगा आपने यहाँ रखवाए होंगे नहीं मैंने नहीं रखवाए फिर कौन हो सकता है हो सकता है होटल वालों ने रखवाए हो लेकिन इस पर तो सिर्फ तुम्हारे लिए लिखा है अगर होटल वालों ने रखा होता तो इस पर लिखा होता सिर्फ आपके लिए राधिका ये मलेशिया है हिंदी थोड़ी ना आती होगी अच्छा छोड़िए अब आप मुझे मलेशिया घुमाने लेकर चलिए हाँ पर पहले इन फूलों को अंदर तो रख दूँ राधिका हम पराये देश आकर अपने देश की संस्कृति भूल रहे हैं मैं अपने पति के साथ चल रही हूँ उनका हाथ थामकर उनका साथ निभा रही हूँ ये वचन तो मैंने फेरों की अग्नि को साक्षी मानकर लिया था फिर ये मेरी संस्कृति के विरोध कैसे हो सकता है जाता हर पल जी
राधिका वो जगह देखो, वो अच्छी लग रही है, चल के कुछ खा लेते हैं। हेलो, वेलकम। टेबल फॉर टू। प्लीज फॉलो मी। ठीक तो है ना? काफी कट गया है, रुमाल दीजिए। आप हाथ को जोर से मत कसिए, वरना खून और बहेगा। तो रुक जाएगा, लेकिन घाव बहुत गहरा है। यहाँ कोई आसपास में दवा खाना नहीं है? अगर आपको दर्द ज्यादा हो रहा है तो हॉस्पिटल ले चले। अजीब आदमी है। खैर छोड़ो, चलो। Lovely ladies and their dashing partners, we have a small competition here. We are giving 3 minutes to each couple. They have to dance on a song of your choice. The best dancing couple will win a special prize. We'll start with table number 5. The ground, take one step left and one step right, one to the front and you're doing it. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of cocaine, cocaine,
राधिका, ये कह रहे हैं कि ये हमारी बारी है नाचने की। हमारी? No, we can't dance. No, no. चलिए ना। राधिका तुम क्या कह रही हो? तुम कर पाओगी? आपका साथ होगा तो जरूर कर लूंगी। चलिए ना। चलिए। मधुबन में जो कन्हैया किसी को भी से मिले, कभी मुस्काए कभी छेड़े कभी बात करे, राधा कैसे न जले, राधा कैसे मधुबन में भले कान्हा किसी को पी से मिले, मन में तो राधा के ही प्रेम के हैं फूल खिले, किस लिए राधा जले, किस लिए राधा जले, कि न सोचे समझे, किस लिए राधा जले, किस लिए राधा जले। अलग बोली अलग भाषा है, बात नैनों से हो कान्हा की यही आशा है, कान्हा की ये जो नैना है जिन्हें गोपियों के चैना है, कान्हा की ये जो नैना है जिन्हें गोपियों के चैना है, मिली नजरिया हुई बावरिया गोरी गोरी सी कोई गुजरिया, कान्हा का प्यार किसी गोपी के मन में जो पले, किस लिए राधा जले, राधा जले, राधा जले, राधा कैसे न जले। ना बिटिया, हर दम ऊ कमरे में बैठी रहते। अरे थोड़ा घुमा फिरा कर, इतो बड़ो घर है, हाँ यहाँ तनिक बैठक में बैठ और सबसे बातचीत कर, तो को कमरे में बैठे रहने की कोई सजा ना मिली है? सजा की बात नहीं है अम्मा, पर आप जानती है ना कि राधे राधे छोटी बहू। राधे राधे। राधे राधे छोटी बहू, कैसी हो? शायद आपने मुझे पहचाना नहीं होगा, हम आपके विवाह में आए थे, साल भर से भी पुरानी बात हो चुकी है, तुम्हारे विवाह के तुरंत बाद हम धर्म यात्रा पे चले गए थे, आज सुबह ही लौटे। ब्रह्मानंद, हम मर जाने से पहले यहां चले आए तुम्हें महाप्रसाद देने के लिए, ग्रहण करो छोटी बहू। ले लो बेटी, ग्रहण करो। बिटिया ले लो, ई प्रसाद तोरे भाग में ही लिखो है।
ये प्रसाद तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रसाद को हाथ लगाने की? ये धर्म यात्रा के उद्यापन का महाप्रसाद है जो सिर्फ छोटी बहू के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। हमसे कोई त्रुटि हुई माँ जी? ये कन्या आपकी छोटी बहू है ना, शास्त्री जी की बेटी विशाखा। ये लड़की विशाखा जरूर है लेकिन इस घर की छोटी बहू नहीं। हाँ महाराज, ये लड़की इस घर की छोटी बहू नहीं है। सच कहूं तो ये इस घर में खड़े होने के योग्य भी नहीं है। हमारे पिछले जन्म के किसी पाप की वजह से आज हमें इस लड़की को यहाँ सहन करना पड़ रहा है। जब मैंने इसे प्रसाद दिया तो इसने कुछ कहा भी नहीं। कैसे कहती महाराज, कैसे कहती है? धोखा देना, किसी के विश्वास का गलत फायदा उठाना, ये तो इसकी फितरत में है। लेकिन याद रखना विशाखा, तुम इस घर की छोटी बहू नहीं हो, तुम सिर्फ वो असहाय लड़की हो जिसे इस घर के मालिक ने थोड़े समय के लिए आश्रय दिया है, बस। महाराज, किसी धोखे की वजह से देव की शादी इस लड़की से हो गई जिसका हर्जाना हम आज तक भुगत रहे हैं। ना उस दिन वो गलती हुई होती और ना ही हमारे परिवार को इतनी बदनामी का सामना करना पड़ता। क्षमा कीजिए महाराज, आपको हमारे घर आकर ये सब देखना पड़ा। कोई बात नहीं माँ जी, कई बार सूर्य और चंद्रमा को भी राहु केतु को अपना अतिथि बनाना पड़ता है। नियति के आगे हम सब विवश हैं। अच्छा माँ जी, हमें अब आज्ञा दीजिए। बिरजू प्रसाद ले। राधे राधे। राधे राधे। Thank you.
हेलो तो मिली? हाँ सो क्या कहा था मैंने? आपने बिल्कुल ठीक कहा था। अब समझ में आ रहा है आप क्यों चाहती थी कि मैं एक बार उसे देखूं। मेरे पास वजह थी। वजह तो मुझे मिली जीने की उसे देखकर। बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी।